News 18, India. नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करें आज की सबसे बड़ी खबर के साथ और वो है किसान आंदोलन में पिछले 3 घंटे से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हंगामा चल रहा है। पटियाला और अंबाला की सीमा पर पंजाब की ओर से किसान हरियाणा दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और जबरन बैरिकेटिंग हटाने पर पुलिस ने एक्शन लिया, आंसू गैस के गोले दागे। वहीं आंदोलनकारी बॉर्डर पर लगे सीमेंट के ब्लॉक को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बार बार वहां पर हंगामा हो रहा है, आंदोलन कर रहे लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे गए और आंदोलन कर रहे लोगों ने ड्रोन पर पत्थर से भी हमला किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हालात बेकाबू होते हुए लेकिन पुलिस लगातार नियंत्रण में रखती हुई। आप एक तरफ देखिए जहां ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और शंभू बॉर्डर वो जगह है जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, मात्र 500 मीटर की दूरी है। जब ये प्रदर्शनकारी हरियाणा के बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे, अब आप ऐसे में समझिए 6 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई थी। शंभू बॉर्डर पर 3 घंटे हो चुके, हंगामा लगातार जारी है। एक बार पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, प्रदर्शनकारी पीछे हटते हैं लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद उनकी तरफ से ये कोशिश की जाती है कि एक बार फिर से आगे बढ़ा जाए। किस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों की आड़ में, ट्रैक्टर की आड़ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए ये प्रदर्शनकारी, और अगर गलती से भी ये प्रदर्शनकारी ये लेयर्स तोड़ते हुए आगे बढ़ गए तो ये हरियाणा की सीमा में एंटर कर जाएंगे। तो शंभू बॉर्डर पर हंगामा कर रहे किसानों को पुलिस ने पहली बार दोपहर 11:58 पर एक्शन लिया। किसानों ने पुलिस की पहली बैरिकेडिंग को पार करके तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी तो वो दूसरी बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ रहे थे, तब पुलिस ने एक्शन लेते हुए पहली बार आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया, जिसके बाद किसान थोड़ी देर के लिए पीछे हटे और फिर दूसरी बार करीब 12:18 पर आंदोलनकारी एक बार फिर से पुलिस से उलझ गए, जबकि तीसरी बार 2 बजे के करीब बैरिकेडिंग को तीसरी बार तोड़ने की कोशिश हुई। पुलिस लगातार किसानों से संयम रखने की अपील करती रही, लाउडस्पीकर पर बार बार किसानों से शांति बरतने की अपील की जा रही थी, लेकिन कुछ किसान ज्यादा ही आक्रामक हो गए। उन्होंने एक बार फिर बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू कर दिया और इसके बाद पुलिस ने दोबारा से आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि हंगामा कर रहे किसान पीछे हट जाए। दिखा रहे 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कब कब एक्शन लिया गया और ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि पुलिस लगातार कह रहे कानून व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे 3 सहयोगी लगातार 4 सहयोगी बने हुए मेरे साथ, लगातार प्रियंका, जावेद, लवीना, रीमा लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले प्रियंका का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, वहां से क्या तस्वीर है, क्योंकि शंभू ऑर्डर पर लगातार ये तो कोशिश करे कि पुलिस नियंत्रण में रखा जाए लेकिन हालात बेकाबू होते हुए। जी बिल्कुल, और टीकरी बॉर्डर पे इसी के चलते मुझे लग रहा है हलचल तेज हो रही है क्योंकि शंभू बॉर्डर के एक्शन के बाद हमने देखा यहाँ पर ब्रीफिंग हुई है तमाम बड़े अफसरों की, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। और जरा आपको ये तस्वीरें मैं दिखा दूं जहाँ पर ये कटीली तारों को लगाने का काम तेजी से अब शुरू हो चुका है। 2 सीमेंट के बैरिकेड्स के ऊपर आप देखेंगे ये कटीली तार बिछाई जा चुकी है और फिर से इस रोल को काटा जा रहा है ताकि इसको बाकी पूरे सीमेंट के बैरिकेड पर लगा दिया जाए। आप यकीन मानिए कि 2 सीमेंट के बैरिकेड को लगाने के बाद ये पूरी रोड ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाए जा रहे हैं कि जब तक लोगों के लिए रास्ता खुला रखा जा सके तब तक उसको खुला रखा जाए, इसीलिए एक एक लेन का ट्रैफिक खुला हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो इस कटीली तार के नेट को काट रहे हैं ताकि वो इसे भी ऊपर की तरफ लगा सके जो बाकी के बचे हुए सीमेंटेड बैरिकेड हैं। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि ये सीमेंटेड बैरिकेड जो है ऑलरेडी अपनी हाइट, रेगुलर हाइट से बड़े बनाए गए हैं। इसके अलावा हम लगातार सुबह से दिखा रहे हैं कि कैसे कंटेनर के ऊपर कंटेनर चढ़ाए गए हैं, यानी कि कितनी भी भारी ट्रैक्टर्स के साथ वो पहुंचे वो इस बार इस बैरिकेड को पार ना कर पाए, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन किसान और ज्यादा एडवांस नजर आ रहे हैं क्योंकि तस्वीरें जो शंभू बॉर्डर से नजर आ रही है तो जेसीबी लाने की भी बात भी सामने आ रही है। शायद यही कारण है कि लगातार आला अफसरों का यहाँ पर मंथन का काम चल रहा है कि आगे को क्या प्लानिंग करनी है। लेकिन जाहिर तौर पर बॉर्डर पे अब जो हलचल है वो दिखनी शुरू हो गई है, जहाँ पर महिला टुकड़ियों के साथ साथ पूरे बॉर्डर पे काटीली तार लगाने का काम भी लगातार चल रहा है। जी ठीक है प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस का एक्शन तो देखने को मिल ही रहा है लेकिन बाकी बॉर्डर्स पर जो कि दिल्ली से जुड़े हुए हैं उन पर क्या एक्शन हो रहा है, क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है इस एक्शन का, उसका भी जिक्र कर लेंगे। अब सीधा हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी जावेद का। जावेद, वहां क्या कोई इफेक्ट दिखाई दे रहा है शंभू बॉर्डर पर, जिस तरीके से हालात बने हुए उसके? जावेद, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जावेद का हम रुख करेंगे।
कोशिश करेंगे उन तक आवाज हमारी पहुंचे, लेकिन लवीना का जिक्र करेंगे। लवीना आपका रुख कर रहे हैं, ये बताइए शंभू बॉर्डर पर जो हलचल हो रही है उसका क्या, जहां आप मौजूद हैं वहां कोई असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल अंकिता, सीधा असर है। और तस्वीर दिखाते हुए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी हलचल बहुत ज्यादा बढ़ती हुई मैंने देखी, क्योंकि जैसे ही वहां पर हंगामा बढ़ता है तो आप देखेंगे कि दूर तक जो मुझे कई लेयर की बैरिगेटिंग दिखाई दे रही थी, इससे पहले मैं वहां तक जा सकती थी, मैं वहां पर जाकर कवरेज कर सकती थी, लेकिन एक लेयर की बैरिगेटिंग यहाँ पर इसीलिए कर दी गई है क्योंकि अब हमें भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। तो ये बिल्कुल तय है कि जैसे ही शंभू बॉर्डर से ऐसी कोई भी तस्वीर निकल कर सामने आती है तो जरूर यहाँ पर भी जो तमाम बॉर्डर्स है वहां पर कम्युनिकेट कर दिया जाता होगा कि अब कैसे सतर्क रहना है। मैं आपको एक तरफ ये भी दिखा दूं, एक तरफ आप देखेंगे महिला जवानों को भी तैनात किया गया है, दूसरी तरफ मुझे रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती यहां पर हाई लेवल पर दिखाई दे रही है। और मैं अंकिता आपको ये भी बता दूं कि कोई भी तस्वीर ऐसी ना बनने पाए कि इस बैरिकेटिंग को भेद कर जो किसान जिन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे, और खास तौर पर गाजीपुर बॉर्डर पर चूंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहीं से जो उत्तर प्रदेश या आसपास के किसानों ने अगर तय किया है यहाँ पर आने का तो यही वो रास्ता है जो दिल्ली को जोड़ता है। अब ऐसे में यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा हाई अलर्ट पहले से कर दिया गया था। लेकिन दूसरी तस्वीर वो भी है, विशाल जरा उस तरफ भी दिखा दीजिए, क्योंकि अब डायवर्जन करने के बाद जो गाड़ियां हैं वो इसी तरफ से आ पा रही हैं। ठीक है लवीना, आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं उसको पत्थरों से मार के गिराने की जो स्थानीय लोग हैं वो कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लवीना आपके पास लौटेंगे, लेकिन अनुपमा रीमा का भी रिक कर लिया जाए। बिल्कुल रीमा लगातार मेरे साथ बनी हुई, देखिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है तस्वीरें दिखानी, क्योंकि ये तस्वीरें इस बात को बता रही है, ये सीधी तस्वीरें अभी की तस्वीरें करंट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालात देखिए एक बार फिर से जो है ये कोशिश की जा रही है इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से कि आगे बढ़े हम, लेकिन पुलिस मोर्चा संभाले हुए, और सबसे बड़ी बात ये कि जो बड़े बड़े ट्रैक्टर लेकर आए हैं इनकी आड़ में ये कोशिश करे कि आंसू गैस के गोले से बचा जा सके। तीन बार अब तक पुलिस एक्शन ले चुकी है और जिस ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं उसी ड्रोन पर पत्थरों से ये लगातार हमला कर रहे हैं। और उसके बाद क्योंकि स्थिति जो है जाहिर सी बात है जब आंसू गैस का गोला दागा जाता है तो आंखों में जलन होती है, स्थिति इसीलिए कंट्रोल में करने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही थी पुलिस, लेकिन बावजूद इसके थोड़ी देर के लिए ये सभी पीछे होते हैं, लेकिन फिर एक बार जो है कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ सके। लेकिन आगे बढ़ना इस बार इतना आसान नहीं होगा, 2020 की तस्वीर जो है वो दोबारा दोहराई नहीं जाएगी, और इसी का प्रण जो है हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ले चुकी है। इसीलिए 6 लेयर की सिक्योरिटी जो है वो यहां पर बनाई गई है, कटीले तार बिछाए गए हैं, इतना ही नहीं आप ये समझिए कि कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जो लेयर्स बनाई गई है वो कंक्रीट से बनाई गई है। और ये देखिए लोग वहां से हटते तो जरूर है थोड़ा सा, क्योंकि डर तो जरूर होता है कि ड्रोन से जो है आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। जैसे ही आंसू गैस का गोला दागा जाता है वहां पर धुआं हो जाता है, आंखों में जलन, जाहिर सी बात है सांस लेना मुश्किल। लेकिन ऐसे में आप समझिएगा किसान जो है पीछे नहीं हट रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है अब आगे क्या होगा, क्या ये किसान आज वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर इनका ये प्रदर्शन जो है इस तरीके से जारी रहेगा। जावेद मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए, जावेद जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वो जाहिर सी बात है पूरे दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे देश को तो डरा रखी है, लेकिन वहां पर क्या तस्वीर है, क्या वहां पर भी कुछ बदलाव देखने को मिला है तैयारियों में? देखिए शंभू बॉर्डर पर जो एक्शन चल रहा है वो निश्चित तौर पर सिंघू के लिए चिंता पैदा कर सकता है, क्योंकि सवाल ये है कि ये गतिरोध कब तक चलता रहेगा, ये टकराव कब तक चलता रहेगा। काफ़ी वक्त हो चुका है जब पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच में भिड़ंत हो रही है, लेकिन हमारी मौजूदगी सिंघू बॉर्डर पर है जहाँ पर लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो सीमेंट बैरिकेड है उनके बीच में आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं, बड़ी संख्या में आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। आप कटीले तार आप यहां पर देखिए किस तरीके से लगाए गए हैं, एक बड़ी लेयर्स यहां पर बैरिकेड्स की लगाई गई है, और इस तरफ भी अगर मैं दिखाना चाहूं सड़क के दूसरी तरफ यहां पर भी जो लोहे के कटीले तार है बैरिकेड्स के ऊपर वो लगाए गए हैं, जो मसाला है वो भरा गया है आप तस्वीरों में देखेंगे, तो बहुत सुरक्षा जो है वो यहां पर बढ़ी हुई है, पुख्ता करने की पूरी कोशिश जावेद की गई है। हालांकि किसान लगातार उग्र दिखाई दे, आपके पास लौटेंगे लेकिन जरा इस तस्वीर का भी जिक्र कर लें। देखिए आंसू गैस के जब गोले छोड़े जा रहे थे तो इस कदर वहां पर धुआं व्याप्त था कि किसी को कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिंघू बॉर्डर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और सिंघू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी जावेद और रीमा भी मौजूद है, उनका रुख करेंगे। लेकिन पहले देखिए जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे वैसा ही नजारा, वैसा ही मंजर आप अब इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर भी देखेंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी ट्रैवल कर रही है, फार्मर्स
जो किसान है एक दूसरे को बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, और इसीलिए रीमा इंटरनेट सेवाओं पर फिलहाल कुछ टाइम के लिए पाबंदी लगा दी गई है। क्या शंभू बॉर्डर पर जो हो रहा है सिंघू बॉर्डर पर वैसा ही दिखाई दे रहा है, क्या इफेक्ट है? सिंघू बॉर्डर पे बीते 7 घंटे में जो स्थिति बदली है वो दर्शकों को मैं लगातार हर घंटे बता रही हूँ। ये तस्वीरें दिखाने के लिए और बताने के लिए काफी है कि उसका असर किस तरीके से हुआ है कि यहाँ देखिए पुलिस की चहलकदमी किस कदर बढ़ी हुई है। सारे ब्लॉक्स यहाँ पे रास्ते बंद कर दिए गए। तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में हमने देखा कि कई लेयर्स की सिक्योरिटी और जितने दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो सभी इसी सिंघू बॉर्डर पे इस वक्त मौजूद है। सिंघू बॉर्डर से जो तस्वीरें मिल रही है उसके हिसाब से, उसके लिहाज से हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त की तमाम तैयारियां की जा चुकी है। और मैं दर्शकों को पूरे यकीन के साथ बताती हूँ कि आज भले ही हम यहाँ खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कल के दिन तक यहाँ तक किसी का भी एक्सेस नहीं होगा। यानी उधर से लोगों को रोकना पहली प्राथमिकता, पहली चुनौती। और दूसरे तरफ की मैं तस्वीरें दिखाऊं, यहां भी इंटरनेट सेवा बाधित की जाएगी। आप देखिए कई सारे ऑफिसर्स, मैं उनकी बातचीत यकीनन यहां पे नहीं सुनवा सकती हूं क्योंकि उनकी आपसी मीटिंग है। अभी भी मेरे पीछे सीनियर अधिकारी एक दूसरे को से बातचीत करके निर्देश दे रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए यहां पे किस तरीके से डिप्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है। यानी जो शंभू बॉर्डर पे हो रहा है उसका पूरा का पूरा असर इस वक्त सिंघू बॉर्डर पे हमें देखने को मिल रहा है। जगह जगह पे पुलिस कर्मियों की चहलकदमी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। पहली प्राथमिकता, पहली चुनौती है कि इस जगह तक नहीं आना है किसी भी सूरत में। ये वो जगह है जिसने 2020 से लेकर 21 तक वो दिन देखा है जिसकी दिल्ली वासियों ने कल्पना नहीं की थी, और वो बातें ना दोहराई जाए। और सिंघू बॉर्डर की वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता 2020 की, कि आखिर किस तरीके से जो गुड़गांव जाने वाले लोग हैं, नोएडा जाने वाले लोग हैं, दिल्ली में जो रहते हैं उन्हें किस तरीके की परेशानी आ रही थी। यहाँ तक कि पंजाब जिन्हें जाना है, हरियाणा जाना है, वो किस तरीके से लगातार, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त हमने देखा था रूट्स डाइवर्ट किए गए थे, तो वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाती हूँ, फिर रिपोर्टर्स के पास चलेंगे। देखिए फिर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से वहां पर हंगामे की शुरुआत हो चुकी है। आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल एक बार फिर से पुलिस की तरफ से किया जा सकता है अगर हंगामा इसी तरीके से बरकरार रहा। हाथों में झंडे, बैनर, साथ ही लाठी डंडे लेकर देखिए किस तरीके से ये प्रदर्शनकारी जो हैं अब वो आगे बढ़ते हुए लगातार पिछले 3 घंटे से वहां पर हंगामा चल रहा है। खेतों में अब आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं क्योंकि ये प्रदर्शनकारी कर भी यही रहे हैं। जिस तरीके से सड़क पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं तो ये खेत में भाग जाते हैं। कोशिश पुलिस की है कि यहां से हटाया जा सके, ना कि तितर बितर किया जा सके। लगातार ये कहा जा रहा है कि आप पीछे जाइए, लेकिन बावजूद इसके वहां पर एक भी प्रदर्शनकारी ना तो सुनने के लिए तैयार है, ना तो वो पीछे होता है। और ये जो हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं, इसी तरीके के ड्रोन का इस्तेमाल वहां किया जा रहा है। ड्रोन आता है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, वहां पर आंसू गैस, टीयर गैस जिसे कहा जाता है आसान शब्दों में, टीयर गैस का गोला जो है वो वहां पर फेंका जाता है और उसके बाद वहां धुआं होता हुआ और लोग जरूर हटते हैं वहां से। कोशिश, हमने कई तस्वीरें जो है पिछले 3 घंटे में देख लिया जहाँ लोग जो है आंखों में पानी मार रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से वहां पर सरवाइव किया जा सके, वहां पर लोग ठहर सके। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रैक्टर में बड़े बड़े लाउडस्पीकर्स लगाकर आगे बढ़ते हुए, और अब कोशिश ये है कि जो कंक्रीट बनाई गई है, दरअसल पुलिस ने इस बार ये जो है नई चीज की, हालांकि पिछली बार हमने नहीं देखी थी कि आखिर कंक्रीट से जो है किस तरीके से एक दीवार खड़ी की गई है। अब ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 4 से 5 ट्रैक्टर लगाकर एक साथ जो है उस कंक्रीट को तोड़ने की कोशिश की जाए